न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 6 यूनिट 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। पिछली वीडियो में हम 10A एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब है कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर। सबसे पहले हम टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर के थ्रू परपेंडिकुलर मालूम करेंगे। सबसे पहले देखें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। अब ए बी कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक समझ लें, ये है आपका 5 cm। फिर उसके बाद विद ए एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी। अब यहाँ से आपने एक प्रकार रखना है और आधे से ज़्यादा चाहे इतना चाहे इतना इतना, यानी मैंने प्रकार को जो ओपन किया है उसकी लेग में यहाँ तक भी रख सकती हूँ, यहाँ तक भी और यहाँ तक भी, और चाहूँ तो बिल्कुल बराबर एग्जैक्ट भी रख सकती हूँ। बराबर रखने से ये है कि मेरे जो यहाँ बनेगा स्क्वायर शेप बनेगा, तो बेहतर ये मैं हाफ़ एबव ले लूँ। तो मैंने यहाँ से हाफ़ एबव लेके यहाँ ऊपर आर्क लगानी है, इसी तरह नीचे आर्क लगानी है। ठीक है, मैं बाकी समझाती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ से रख के हमने एक आर्क ऊपर लगाई और उतने ही को हमने नीचे भी मार्क कर लिया। इसी तरह बी को सेंटर रखा और यहाँ से यहाँ पे हमने आर्क लगा दी। जैसे कि हमने यहाँ बताया ए एज अ सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी। अच्छा, आप क्या लगाएंगे, ड्रॉ टू आर्क, वन एबव यानी ये जो ऊपर लगी है, वन बिलो जो कि नीचे लगी है, और होगी क्या ए बी एज शोन, जो कि ए बी के हवाले से हमने बताया है। थर्ड स्टेप में आ जाएगा विद बी एज अ सेंटर एंड विद द सेम रेडियस एज बिफोर। अब बी को सेंटर रखते हुए हम सेम उसी तरह से टू मोर आर्क लेंगे यहाँ से यहाँ। ठीक है, ड्रॉ टू मोर आर्क्स टू कट द प्रीवियस आर्क एट पी एंड क्यू। और यहाँ पे भी हम दो आर्क्स लगाएंगे, यानी यहाँ पे हमने प्रकार रखा तो हमारी एक आर्क यूँ लगी और एक आर्क यूँ लगी, जो कि पुरानी यानी पिछली प्रीवियस आर्क को कट कर रही है। और पॉइंट कौन कौन से मिल रहे हैं, पी एंड क्यू। ये जो पी क्यू है ये इस टिप पॉइंट का नहीं है, ये एक्चुअल जो पॉइंट आ रहा है ये आपका ये जो कटिंग पॉइंट है इसको क्या है, ये क्यू, और ये कटिंग पॉइंट कहलाएगा पी। ज्वाइन पी टू क्यू प्रोड्यूस पी क्यू इन बोथ डायरेक्शन टू फॉर्म पी क्यू। अब हमने पी क्यू को ज्वाइन कर देना है। अच्छा, हमारे दौर में होता था कि हम इसको डैश लाइन से शो करते थे क्योंकि ये हम खुद से लगाते थे, लेकिन भाई अगर अब ये स्ट्रेट लगवा रहे हैं तो भाई आप भी कीजिए ऐसे। अब आपको क्या मिल गई लाइन, पी क्यू की लाइन मिल गई दोनों डायरेक्शन से। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हम एरोज़ लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये लाइन एक्सटेंड होती जा रही है जा रही है जा रही है, यानी इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। पहले तो ये लाइन सेगमेंट थी यानी एक टुकड़ा थी, ठीक है, जिसकी टू एंड पॉइंट थी, लेकिन अब क्या हो गई ये पी क्यू, क्योंकि डबल साइडेड एरोज़ आ गए। अच्छा, मेजर ए एम एंड एम बी, यानी अब आप ए एम को और एम बी को मेजर कर सकते हैं। एज ए एम इज़ इक्वल्स टू एम बी। ठीक है, अब आपने बताना है क्या ये इसके बराबर है। यस, देयर फोर पी क्यू इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी एट एम। अब इन्होंने कहा है कि आपने एक ये इसके बराबर भी है और ये परपेंडिकुलर भी है। गौर से देखें, परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री, परपेंडिकुलर भी है बोथ डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ आप अगर दोनों की तरफ देखते हैं तो दोनों की तरफ क्या है, ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और इसका मिडिल पॉइंट क्या बन रहा है, एम, यानी जो इसका यहाँ जो आपका परपेंडिकुलर बन रहा है वो किस पे बन रहा है, एम पॉइंट पे, ये आपने मेंशन करना है। अच्छा, आप क्वेश्चन 3 देखें। आप ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन मेजरमेंट एंड बाइसेक्ट ईच वन ऑफ देम यूजिंग अ रूलर एंड अ पेयर ऑफ कंपासेस, राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अभी मैंने आपको यही क्वेश्चन समझाया जो कि 5, 7, 8, 10 और 6.5, जो भी इसका लाइन सेगमेंट होगा ये सेम इसी तरह होगा। ठीक है, अब देखें अगर हमारी ए बी की लेंथ कितनी है, 5, हमने हाफ एबव लिया था। इसी तरह अगर हमारे क्वेश्चन में है 7, तो हम 7 एबव लाइन तो ड्रॉ करेंगे, 7 की लाइन तो ड्रॉ करेंगे,
लेकिन जब हम आर्क लगाएंगे तो यहाँ से हाफ टू एबव लेंगे, ठीक है, आधे से ज़्यादा, और फिर यहाँ पे आर्क लगाए, यहाँ पे आर्क, इस तरह हमें पॉइंट्स मिलेंगे। तो चाहे वो 5 हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 10 हो, या कोई भी नंबर हो, तो आपने यहाँ पे वो चीज़ मेंशन करनी है, सही है। और नाम आप जैसे ए बी है, पहले क्वेश्चन में आप ए बी नाम दे दें, सेकंड क्वेश्चन में आप एक्स वाई दे दें या एम एन दे दें, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो नाम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे वो यहाँ पे नहीं हो, कोई चीज़ रिपीटेशन में ना हो, कि यहाँ पे अगर आपको बिलफर्ज यहाँ ए है तो आपने यहाँ पे भी ए दे दिया, नो। अगर किसी को समझ नहीं आता, याद नहीं रहता कि हम क्या लिखे, तो यहाँ ज़ीरो लगा दो, ठीक है। ज़ीरो मीन ओ, ओ मीन ओरिजिन, ठीक है, यानी स्टार्टिंग बिगनिंग यहाँ से, तो आपके लिए वो नाम हो गया। बाकी एक ही वक्त में अगर सारी ही डायग्राम्स बना रहे हैं तो नाम चेंज कीजिएगा, और अगर एग्ज़ाम में एक ही डायग्राम बनाने के लिए आती है तो आप ए बी इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। वन और मोर डायग्राम में नाम चेंज करने हैं, अदर देन नहीं।